ह्यूमन ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम को स्वीट और फैट की आदत लाखों सालों से है, क्योंकि एग्रीकल्चर का इतिहास कोई 10,000 सालों से पुराना नहीं। उसके पहले इंसान को पता नहीं होता था कि अगली बार खाने को कब मिलेगा, इसलिए मांस, फैट और मीठी चीजें खाना ज्यादा पसंद किया जाता था, ताकि एक बार में ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा मिल सके और फिर कई दिनों तक खाना ना मिलने पर भी इंसान जीवित रह सके। लाखों सालों तक मीट, फैट और स्वीट से ही लगाव इंसान आज भी अपने डीएनए में लेकर आ रहा है, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूरल नेटवर्क्स, न्यूरल सर्किट्स, न्यूरोप्लास्टिक मेंटल कंस्ट्रक्शंस उसके ब्रेन में जन्म से ही होते हैं। और चॉकलेट या फिर चिप्स का पैकेट देखते ही बच्चे का लिम्बिक सिस्टम बॉडी में ऐसे केमिकल छोड़ने लगता है कि बच्चा उस चॉकलेट को पाने के लिए बेताब हो जाता है, और फिर खा चुकने के बाद लिम्बिक सिस्टम बॉडी में डोपामिन रिलीज करता है तो बच्चा खुश हो जाता है। अब चूंकि 10,000 साल पहले ही खेती शुरू हो चुकी है और 8,000 साल पहले मिल्क प्रोडक्ट्स, तो इंसान को कोई आवश्यकता नहीं है कि वो ऐसी तेल युक्त, हाईली स्वीटेंड, चीजी फास्ट फूड जैसी चीजों का गुलाम बना रहे। और इसी गुलामी का फायदा उठाती हैं फास्ट फूड कंपनियां, क्योंकि डोपामीन यानी कि खुशी तो मानव का जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन नेचर इवोल्व होना चाहती है। नेचर चाहती है कि इंसान नियोकॉर्टेक्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करे, कुछ म्यूजिकल क्रिएटिविटी करके दिखाए, कुछ सॉफ्टवेयर बनाकर दिखाए, कोई किताब लिखे, कोई एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन लेकर आए, टेस्ला की तरह नेचर की अनंत शक्तियों का उपयोग मानव जाति के कल्याण के लिए करके दिखाए, ना कि खा खा कर सांड की तरह पड़ा रहे और धरती का बोझ बढ़ाए। क्योंकि नेचर का एकमात्र ऑब्जेक्टिव है इंसान का रूप लेकर क्रिएटिवली इवोल्यूशन को आगे बढ़ाना। तो जब इंसान लाखों वर्षों पुरानी आदतों का ही गुलाम बना रह जाता है तो नेचर अपने तरीके से उसका विरोध करती है और कोशिश करती है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म यानी कि ऐसा इंसान ऐसी जीवन शैली के चलते उत्पन्न होने वाली बीमारियों का शिकार होकर नष्ट हो जाए। नेचर चाहती है कि नियोकॉर्टेक्स का इस्तेमाल करते हुए ब्रेन में डोपामिन रिलीज हो, मतलब कि जो खुशी इंसान को बर्गर खाके मिलती है, पेप्सी पीकर मिलती है, वो उसे शायरी करके मिले, इन्वेंशन करके मिले, वेद कुरान पढ़कर मिले, पेड़ पौधों से प्रेम करके मिले, संभोग से समाधि के रास्ते पर चलकर मिले।